हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने अपने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया था, है ना। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करें, ठीक है। तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस डाउट्स भी हैं, आईआईटी की प्रॉब्लम्स भी है, बट सारी इजी है, तो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, वो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस किस के हैं? कॉपर 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव, हाइड्राइड H नेगेटिव एंड सल्फाइड सल्फर 2 नेगेटिव। तो हमने इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करने, बट उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि हमें इनके एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए। इनमें से मैं कुछ एक का डिस्कस करवाता हूँ, ठीक है, बाकी मेरा आप समझ ही जाओगे, ठीक है। जैसे कि मैं फर्स्ट ले लेता हूं कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब जो कॉपर है बेटा, उसका एटॉमिक नंबर होता है 29, ठीक है। तो पहले तो मैं किसकी बात करूंगा, सिंपल कॉपर की लिखवा। पहले जो कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करोगे वो एटम का मेंशन करो। कॉपर का हम डिस्कस कर भी चुके हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9, है ना। एक्चुअल में ये होना चाहिए, बट असेप्शन था, उस असेप्शन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब आता है कि हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों क्या होती है कि वो सोचते हैं कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन डी के अंदर गया, तो इलेक्ट्रॉन भी सिंपल सी बात है डी में से ही निकलने चाहिए। बट बेटा आपको एक बात बता दूं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, वैसे क्या होता है, एस की एनर्जी डी से ज्यादा हो जाती है और वो न्यूक्लियस से दूर शिफ्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जो डी वाला होता है वो न्यूक्लियस के नजदीक होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन फिर होने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब कि पहले तो क्या था, जब इलेक्ट्रॉन एस में जा रहे थे तब एस की एनर्जी कम थी, बट जैसे ही एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन गए तो ड्यू टू रिपल्शन उसकी एनर्जी 3d से ज्यादा होगी। अब वो 4s एक्चुअल में कहां पर लाई कर रहा है, 3d से आउटसाइड है। मतलब वैलेंस शेल कौन हुआ, s ही हुआ। तो ध्यान रखना, जब आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाओगे तो आउटर मोस्ट में से ही रिमूव करवाने, गलती मत करना। तो क्या करूंगा, एस में तो भाई आउटर मोस्ट ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन है, एक उसमें से चला जाएगा, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किसमें से जाएगा, इसके अंदर से, और क्या बन जाएगा कॉन्फिगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9। ये चीज आप ध्यान दें, ठीक है। तो क्रोमियम का भी एनर्जेटिक हो जाएगा, एक और कर लेते हैं पॉजिटिव का, तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, क्रोमियम की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर होता है 24, ठीक है, आयरन का होता है 26, इसी तरीके से कर सकते हो। तो क्रोमियम का लिखो कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शन था इसमें, ध्यान रखना ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5, ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने करना है इसका बेटा क्रोमियम 3 पॉजिटिव। अब जो क्रोमियम 3 पॉजिटिव का मतलब क्या होगी, क्रोमियम लूजेस इट्स 3 इलेक्ट्रॉन, बट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गोस फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, दैट इज 4s। तो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो 4s में से जाएगा, फिर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स 3d में से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d3। भाई एक इसमें चला गया, दो इसमें से ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, 3d3। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो सकता, क्लियर है। अब जो आयरन है बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही कर लोगे, हाइड्राइड और सल्फाइड का देखो, कोई एक डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल सेम है, दोनों नेगेटिव आयंस हैं। नेगेटिव आयंस का मतलब क्या हो गया, कि इसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया होगा, और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ यूनिट चार्जेस, जितने की उसके ऊपर चार्जेस। अब बात करें हाइड्रोजन, सिंपल हाइड्रोजन की बात करो, एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, 1s1। बट जब मैं बात करूंगा एच नेगेटिव हाइड्राइड आयन, एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, -1 चार्ज है, तो और ये क्या बन जाएगा, 1s2। कॉन्फ़िगरेशन इज सिमिलर टू हीलियम, ठीक है, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो किसके सिमिलर हो जाएगा, आर्गन के। सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो और गेन कर लिए 18 हो जाएंगे, आर्गन के सिमिलर हो जाएगा ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा।
अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बेटा उसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं और हमें चेक करना है कि इनमें से कौन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, वी हैव टू चेक विच एलिमेंट इज इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी से रिलेटेड भी है, आईआईटी में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है 1s2 2s1 2p1, ठीक है, ये एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन है और हमें ये बताना है कि कौन एक्साइटेड स्टेट, कौन एक्साइटेड स्टेट से रिलेट करता है, क्लियर है। तो अब खुद सोच के देखो, अकॉर्डिंग टू हॉफ लॉ प्रिंसिपल, जब तक लोअर एनर्जी सेल फिल नहीं होगा, क्या इलेक्ट्रॉन हायर सेल में जा सकता है? सोच रहे हो, नहीं जाएगा ना, मतलब कि दिस इज नॉट इन ग्राउंड स्टेट, दिस इज एक्साइटेड स्टेट। तो क्या कर दूं मैं कि यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन, जो भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन था वो एक्साइटेड स्टेट में। तो सेकंड है हमारे पास 1s2 2s2 2p1। अब इस केस में देखो, कुछ भी एबनॉर्मल सा लग रहा है, 1s2 बिल्कुल ठीक है, 2s2 बिल्कुल ठीक है, 2p1 बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, तो इट इज इन ग्राउंड स्टेट, ये बिल्कुल ग्राउंड स्टेट। नेक्स्ट है हमारे पास 1s2 2s2 2px 1 2py1 and 2pz1, ठीक है, मतलब कि px py pz। अगर मैं इसको नॉर्मली देखूं तो क्या होगा बेटा, 2p3 है ना, एक एक ऑर्बिटल में होल सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाता है, 1s2 बिल्कुल सही है, 2s2 बिल्कुल सही है, ये इलेक्ट्रॉन भी कुछ रह जाएंगे, है ना, किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये नाइट्रोजन का, तो ये भी क्या हो गया बेटा, बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर 4, 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 3pz1 and 3d1। तो अब इसमें ध्यान से देखो, 1s2 बिल्कुल सही है, 2s2 बिल्कुल सही है, 2p6 भी बिल्कुल सही है, 3s2 भी बिल्कुल सही है, बट अंटिल 3p इज ऑक्यूपाइड द इलेक्ट्रॉन नेवर गोज टू अपर शेल। जब तक इलेक्ट्रॉन, जब तक कि ये लोअर एनर्जी सेल फुलफिल नहीं हो जाता, इलेक्ट्रॉन अपर शेल में कैसे जा सकता है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज इन एक्साइटेड स्टेट, दिस इज नॉट ए ग्राउंड। आई समझे? तो इस तरीके से आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से एलिमेंट ग्राउंड स्टेट में है और कौन से एक्साइटेड स्टेट में। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उसमें आपने बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के लिए हमारे पास क्वांटम नंबर दिए गए हैं और ये पूछ रहा है कि किसकी एनर्जी ज्यादा, विच ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी, ठीक है, विच ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी। तो है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू +1। सेकेंड है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन फिर से सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर फॉर ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम हैज ए ग्रेटर एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन। ये जो आपको जो दो दिख रहे हैं इनमें किसके लिए एनर्जी ज्यादा हो, तो पहली बात तो बेटा हाइड्रोजन एटम की बात करें तो ध्यान रखना हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन वो सिर्फ एक ही है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम या आयन की जब भी बात करेंगे तो वो सिंगल के लिए एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, एन के ऊपर, एल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। क्या कह रहा हूं मैं, व्हेन या फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम द एनर्जी इज टोटली डिपेंड्स ऑन एन नॉट ऑन एल, ठीक है। और बट यहां पर तो फिर और भी इजीली देख सकते हो कि अब कोई भी एटम है, ठीक है, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, एन प्लस एल पे, इसके ऊपर कोई डिपेंड ही नहीं करती है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं, अगर भी एल इज इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, डी हो गया। अब डी में चाहे +2 हो, चाहे +1 हो, चाहे 0 हो, चाहे -1 हो, चाहे -2 हो, इन सबकी एनर्जी क्या होती है, बिल्कुल सिमिलर। तो क्या होगा बेटा कि बोथ ऑर्बिटल्स है वो सेम एनर्जी, इन दोनों की एनर्जी जो होगी वो सेम होगी, ना किसी की कम होगी और ना किसी की ज्यादा होगी, ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे पास जो आईआईटी में दो बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जो रुबिडियम है,
रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 होता है तो उसके लिए हमने क्वांटम नंबर की वैल्यूज लिखनी है, सेट ऑफ क्वांटम नंबर, चारों के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज आपने बतानी है। तो कॉन्फिगरेशन भी लिखना है, ठीक है, बिना कॉन्फिगरेशन के आप लिख नहीं सकते, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, राइट वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन रुबिडियम 37। तो इसके लिए निकालना है, लिखो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10, 4p6, पहले काउंट करो यहाँ तक, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36 एंड 5s1, क्या हो गया यहाँ पर, ये 5s1, ठीक है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए ना, अब हमने इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स की वैल्यू मेंशन करनी है। तो सबसे पहले फिफ्थ सेल है तो n की वैल्यू क्या होगी बेटा, 5 हो गई। s है तो s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ml है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सोचने की जरूरत ही नहीं है, एस के लिए सिर्फ एक ही होता है, उसकी वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो आप प्लस हाफ भी लिख सकते हो, माइनस हाफ भी लिख सकते हो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। एक इलेक्ट्रॉन कहा था मैंने कि जो हमारे पास जो सब सेल्स थे जिसमें एक से ज्यादा ऑर्बिटल है तो उसमें तो थोड़ी बाउंडेशन है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पैरेलल डायरेक्शन में होने चाहिए, चाहे फिर वो क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो, बट यहाँ पर तो सिंपल एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल भी एक ही है, तो उसको क्लॉकवाइज भी मेंशन कर सकते हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी, इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है बेटा। उसके बाद है हमारे पास, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और उसका एटॉमिक नंबर है 57, एक्सेप्शनल है ये, अगर आप इसको लॉजिकली करोगे तो बिल्कुल अलग आएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर 57, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, ठीक है, 6s2, पहले काउंट कर लेते हैं, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, एंड 54, 56 और 57। तो 6s2 के बाद जो इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था वो किस में आना चाहिए, F1, ठीक है, 4f कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, बट जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है बेटा, 5d1। तो अब ये तो इलॉजिकल सा हो गया कि भाई इसमें कैसे चला गया, तो मैंने कहा था कि कॉन्फ़िगरेशन हमें नजर कोई ना दे, हम उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बताते हैं। तो ये जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है लैंथेनम, एंड लैंथेनम इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाता है और इसका रीजन हम निकाल सकते हैं नील्स बोर थ्योरी से। तो आपको जानते होंगे जब बोस के पोस्टुलेट पढ़े थे तो हमने जाना था कि जो न्यूक्लियस से हम जितनी दूर होते जाएंगे एनर्जी गैप कम हो जाता है। अब जब एनर्जी गैप कम होगा मतलब कि 4f और 5d में जो एनर्जी गैप होता है इतना कम होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में कहां पर होगा इलेक्ट्रॉन। जब आप एक्टिव नोड्स की सीरीज देखोगे तब तो उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आएंगे, क्यों, क्योंकि हम उसमें न्यूक्लियस से और दूर चले गए, एनर्जी गैप और कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन है कभी वो 5f में होता है, कभी वो 6d में होता है, कभी वो 7s में होता है। तो जो इनके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बहुत सारे असम्पशन है, बट कब, जब ऑर्बिटल्स में एनर्जी गैप कम हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, और भी कोई डाउट हो आईआईटी नीट या सीबीएसई से रिलेटेड वो मुझे सेंड कर सकते हो, वो प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी, ठीक है, और तब तक आप अपने अच्छे से पढ़ते रहो, ओके, थैंक यू।